आपके साथ से एक मिनट शांत सर, बिल्कुल आप ड्यूटी में हो, वर्दी है आपकी, इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर चलनी है तो अभी अभी आप थाने चलो, वहाँ पे जाके मैं पिटीशन फाइल करूंगा, वहाँ पे समझ में आएगी। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड, क्या हुआ सर? हमारा भाई, आप क्या कर रहे हैं सर? यहाँ पे बताइए ना, तू कौन? नहीं, मैं काफी देर से, मैं सामने वाले रूम में हूँ, आप ये बताइए। काफी देर से मैं इनको देख रहा हूँ, आप लोग को किस चीज का क्वेश्चनिंग चल रहा है सर? ये तो तू बताना भाई, तू अड़े के करने लग रहा है। मैं अड़े के करने लग रहा हूँ कि ये इन लोगों से किस बात की क्वेश्चन कर रहे हो आप? तो भाई चेकिंग करने लग रहा हूँ। आप चेकिंग करो किसी से, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो सर? हाँ, क्या मांग रहे हो? मीटिंग प्लस है, जस्ट फ्रेंड्स है, हमने कुछ नहीं करा सर। अगर एक बात बताओ, चलो रूटीन चेकिंग भी करने आए थे, आप मुझे बताओ किस हिसाब से आप ये मांग रहे हो? क्या मांग रहा हूँ, मतलब किस हिसाब से आप इनसे ये क्या कहते हैं, घर वालों के नंबर और ये सारी चीजें मांग रहे हो? क्यों मांगू भाई, घर पे पता है ना पता, हमारा कुछ नहीं। वो उनका कंसर्न है ना सर, आप अपनी चेकिंग करने आए हो, आपको चेकिंग करने का राइट, आप चेक करो रूम, कुछ यहाँ पे इल्लीगल आपको मिल रहा हो, कोई इल्लीगल एक्टिविटी चल रही हो, आप वो चेक करिए ना। ना, तू मुझे एक बात बता भाई, आप वो चेक करिए, वो 18 वो माइनर नहीं है, मेरी बात सुन, वो माइनर नहीं है बेटा। कितनी एज है बाबू? 18 प्लस है। कितनी एज है बाबू तेरी? मेरी 20 है जमरी। पक्का आईडी देके आयो नीचे? आईडी नीचे देखो, आपकी मैडम क्या है? 19 है। जब दोनों 18 प्लस हैं, एडल्ट्स हैं, तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते हैं। अरे भाई, घर पे पता है ना पता हो? अरे घर पे पता हो या ना पता, बच्चे तो है नहीं ना सर। अकेले रूम में बंद करके क्या करने लग रहे हो सर आप? आप बताओ ना, एडवोकेट हूँ, ठीक है? मेरे को हिंदी मत समझाओ, मेरे को हिंदी मत समझाओ, ठीक है? मद्रास कोर्ट बोलता है कि भैया आप इलीगली, अगर वो मैरिड नहीं है, 18 प्लस है, तब भी ऐसे कपल रह सकते हैं यहाँ पे, आपको क्या दिक्कत है? अरे तो भाई हमारा चेकिंग कर, आप अपना रूटीन सर, आप अपनी रूटीन में चेकिंग करो। ये अब दिखाऊंगा ना, कहाँ से कौन से थाने से आए हो? क्या करेगा थाने का? कोई बात नहीं ना सर, अभी भेजूंगा इस वीडियो को आगे, रुको तो सर। हाँ तो तू भेज दे भाई। नहीं, एक मिनट रुक तो जाओ। मैडम आपसे क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? नहीं, हाथ हटाओ सर, पीछे हटो, पीछे हटो। घर वालों के नंबर सवाल पूछ रहे थे। नहीं सर, आप बताओ जरा, आप मुझे बताओ जरा, किस हक से आप इनके नंबर मांग रहे हो? किस वाला मांग सकता भाई? क्यों मांगोगे? मैं तो भाई कल को, तू इस खतरे में लगा, तेरे में नंबर मांगेंगे। क्यों मांगोगे सर? आपका काम चेकिंग करने का है, कोई इल्लीगल एक्टिविटी अगर यहाँ पर हो रही हो, आप उसको पकड़िए। आप किस हक से? एक मिनट शांत सर, बिल्कुल आप ड्यूटी में हो, वर्दी है आपकी, इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अगर चलनी है तो अभी आप थाने चलो, वहाँ पे जाके मैं पिटीशन फाइल करूंगा, वहाँ पे समझ में आएगी। तू एक बात बता, आप मैं आपसे बड़े आप मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, कानून वानून पढ़ा भी है आपने? हाँ ठीक है, वो अनमैरिड कानून पढ़ा है, वो अनमैरिड कपल है, भले ही 18 प्लस है ना, अडल्ट है ना, अडल्ट है ना, तो बोलना गए अडल्ट है तो दोनों रुक सकते हैं। किस हिसाब से आप उनको अरेस्ट करने की बातें कर रहे हो? मैडम आपको अरेस्ट करने बोला था? हाँ, मुझे आप क्या बताइए ना सर, किस हक से थाने लेके जाएंगे आप? क्यों ना ले जा, क्यों लेके जाओगे? क्यों ना ले जा सकता तू? मुझे एक रीजन है ना, तू एक बात बता भाई, जब तक यहाँ पे कुछ इल्लीगल ना हो ना जाता, तब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं। सर आप एक काम करो, रोड पे हर बंदे को अरेस्ट कर लो, क्योंकि कोई ना कोई कल कल को कोई बंदूक लेके घूम लेगा, कभी कोई कुछ करके घूम लेगा। भाई रोड पे घूमना गुनाह ना है सर, आपकी आपको रोड पे घूमना गुनाह ना है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ क्या गुनाह है? 18 आप कोर्ट से, एक सेकंड, आप कोर्ट से ऊपर हो क्या? जब कोर्ट ने बोल रखा है 18 प्लस कपल विदाउट मैरिज यहाँ पे रह सकता है किसी भी होटल में, तो आपको उससे क्या दिक्कत है? आप उस बेसिस पे क्यों अरेस्ट करने की बातें कर रहे हो? मैं तो भाई नू कहती हूँ भाई, घर वाला का नंबर दे, पूछवा क्यों दे? आपका सर पर्सनल राइट नहीं बनता तो अगर तो अगर नहीं नहीं अगर वो कोई नहीं नहीं सुनिए आप घर वालों को फोन तब करते हैं, आप घर वालों को फोन तब करते हैं जब ये कोई इल्लीगल सामग्री यहाँ पे लेके बैठे होते, कोई इल्लीगल ऐसी कोई चीज लेके बैठे होते। कुछ है आपके पास? जरा दिखाइए, मुझे दिखाइए कहाँ है और किस बेसिस पे, किस बेसिस पे विदाउट वारंट आप अरेस्ट करोगे? हाँ बताओ, एक बात बता मुझे सीधी सी जो यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? डरो मत आप लोग, आप शांत रहो मैडम, कोई बात नहीं, डरो मत आप लोग, ठीक है? कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपका लॉ आपको पता होना चाहिए। सर आप मैं तो चल रहा हूँ, आप क्यों नहीं जा? आप एक काम करो दोनों थाने चलो जरा, इनकी अब सर की हम कंप्लेंट करेंगे।
आप कुछ कर नहीं मैडम रहे, मुझे मुझे पता है, मुझे अरे मुझे 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 पता है, मुझे पता है आप लोग खाने चलो कोई बात नहीं, आपको अपना लॉ पता होना चाहिए। इनको तो सर नहीं नहीं आप पहले लेडी पुलिस ऑफिसर बुलाओ, पहले उसको हाथ भी नहीं लगाया, हाथ नहीं आप उसको अरेस्ट करके ऐसे लेके भी नहीं जा सकते ना। हाँ तो साथ चलना, तू चलू मैं क्यों चलू, आप लेडी पुलिस आप अरेस्ट करके लेके जा रहे हो ना, इसे अरेस्ट कर रहा हूँ, हाथ अरेस्ट करके लेके जाओ, आप इनके लिए लेडी पुलिस ऑफिसर बुलाइए अभी, बुलाइए अरे मैडम आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ साथ में, आप टेंशन मत लो, कोई कुछ नहीं, हाँ टेंशन मत, चलो चलो चलो, पता नहीं हाँ के उतारूंगा नहीं सर, आपको लॉ पता होना चाहिए, आपको लॉ पता होना चाहिए कुछ, आप जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से ना पूरा पुलिस पुलिस कम्युनिटी खराब होती है ना भाई, हम तो है ही पूरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पे नाम आता है सर, आपको नहीं पता सर, आप मेरे को पता नहीं कैसे पुलिस में भर्ती हो चुके, मुझे नहीं पता, ठीक है चलिए अभी आप थाने चलिए, आपके जो सीनियर है मैं उनसे बात करूंगा, आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ बैठे हुए थे, हमने मैडम आप टेंशन मत लो, मुझे मुझे पता है आप आओ, मेरा सीनियर जूनियर सारा निकाल लूंगा, ठीक है सर, हाँ चलिए आ जाओ मैडम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरो मत, ठीक है अपना पर्स वगैरह कुछ हो तो वो ले लो, फोन वगैरह अगर लेना है तो ठीक है वो ले लो, ये तो राइट है ना, हाँ ये राइट है ना, चलो चलो ले लो, हाँ घर वाले भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं आ जाओ मैडम, डरो मत डरो मत डरो मत डरो कुछ करा भी नहीं था, अरे मैडम डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत डरो, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो सो गाइस इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस ये था कि बेसिकली आप लोग देखते हो कि जब भी आप लोग होटल में स्टे करने जाते हो, बहुत बार हमने ऐसे केसेस सुने हैं जहां पर पुलिस रूटीनल सस्पिशियस चेकिंग करती है, जिसका उनको राइट भी है, बट बहुत बार आप लोग ऐसे केसेस भी सुनते हो जहां पे अंडर एज कपल को अरेस्ट किया जाता है, जो कि लीगली सही है, बट आप कभी कभार देखते हो कि ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जब पुलिस वाले रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं ऐसे कपल से जो कि 18 प्लस होते हैं, क्योंकि हमको हमारे राइट्स नहीं पता। मैं यहाँ पे किसी एक मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ चंद ऐसे पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं। तो आप लोग को अपना राइट पता होना चाहिए कि अगर आप 18 प्लस हो और आप किसी भी होटल में चेक इन कर रहे हो एज एन कपल कर रहे हो, एक लड़का लड़की कर रहे हो और आप अनमैरिड हो, तो आप लोग लीगली वहां रह सकते हो, कोई पुलिस वाला या कोई भी पुलिस ऑफिशियल आपको आके अरेस्ट नहीं कर सकता इस चीज पे, आपका लीगल राइट है इस तरीके से रहना, कोर्ट आपको अलाउंस देता है इस चीज का। सो प्लीज गाइस अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है प्लीज अवेयर रहिए, स्पेशली जो टीनेजर कपल्स होते हैं आज के डेट में, और मतलब जो भी लोग हैं जिस भी पर्पज से कहीं पे भी रुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने राइट्स आपको पता होना चाहिए। अनटिलेस आप कोई इलीगल एक्टिविटी किसी भी रूम में ना कर रहे हो जिसके लिए आपको अरेस्ट किया जाए, कोई पुलिस वाला या फिर कोई भी पुलिस ऑफिशियल आपको इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता। मेरी अपील है कि इस वीडियो को सभी टीनेजर्स के साथ शेयर करिए जो कि 18 और 18 प्लस हैं, ताकि उन्हें भी पता चले और वो इन सारी चीजों से घबराए ना, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, थैंक यू।